भैया क्या घटनाक्रम हुआ था? मेरा नाम गोविंद है, हम औकाती बेरा से आए थे। एक डेढ़ साल से लगातार एक डोली की ज़मीन है हमारे गांव में ठाकुर जी मंदिर की, उन पे अवैध कब्जा है, अतिक्रमण है, उसको हटाने के लिए अब हम डेढ़ साल से लगातार आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। मैं ही खुद कम से कम 5 बार जिला कलेक्टर के पे आए हैं। अच्छा। तो अभी पिछले 27 तारीख को आके देखे गए, कार्रवाई करने को कहा लेकिन नहीं किया कार्रवाई, इसलिए आज फिर आए थे। आज आए और ज्ञापन देके वापस जा रहे थे तो कवा से आगे हमारा गाड़ी पलटी हो गए और काफ़ी 7 लोग थे, उनमें 6 लोगों को काफ़ी चोट लगी, 2-3 को ज़्यादा सीरीज है। तो एक ही गांव के थे? अलग अलग नहीं, अलग अलग 4 पार्ट 3 पार्ट दिखे हैं और 4 हो गए थे, मेरे 7 आदमी थे। अभी वो तो मेरे को नहीं पता, मैं बाहर खड़ा हूँ। हुआ कैसे हादसा? अभी पता नहीं, मैं तो पिछली सीट पे बैठा था बस, अब मैं तो पीछे बैठा था, मेरा ध्यान पीछे था, मैंने कुछ नहीं देखा, आगे ना देखा ना पीछे देखा। आपकी तबीयत ठीक है? मेरी तो ठीक है, मेरे को नहीं लग रहा कि मेरे को कुछ लगा है, ठीक है मेरे को। ये थाना भी इतना मिली थी कि शरद निमाणी उड़ाणी में रामद्वारा है, उसके पास कोई बोलेरो SLX गाड़ी पलटी खा गई है, तो वहाँ मौके पर पहुँचे। एक आदमी दीप सिंह वहाँ ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गया था, 5 आदमियों ने जन सहयोग से हॉस्पिटल पहुंचाया, हॉस्पिटल में एक देवी सिंह नाम के व्यक्ति की डेथ हो गई है, 3 इंजर्ड है, भर्ती है, एक कुनमा राम के नाम के जोधपुर रेफर किया है। प्रारंभिक तौर पर तो यही पता लगा है कि कोई गाय आगे आ गई थी, उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी पलटी खा गई। ये लोग